पवन। ये बन गई मेरी रील, अब मैं करूंगी इसे अपलोड और बन जाऊंगी रील्स क्वीन और उसके बाद बनाऊंगी गुलाबी साड़ी वाली रील। चलो अब जल्दी से माँ का ये शादी का लहंगा उतार देती हूँ, नहीं तो माँ फिर से मुझे चिल्लाएंगी। आरुषि ये सब बोल ही रही थी कि तभी उसकी माँ वहाँ पर आ जाती है और बोलती है, अरे ये क्या, तूने अब मेरा लहंगा निकाल लिया। जब देखो कभी साड़ी तो कभी लहंगा निकाल कर रील बनाती रहती है। चल अब जल्दी से इसे उतार कर वापस रख दे, नहीं तो ये खराब हो जाएगा। अरे माँ आपको नहीं पता आजकल नया अशोका ट्रेंड चल रहा है, उसमें सभी लोग दुल्हन की तरह तैयार होकर रील बनाते हैं, तो इसीलिए मैंने आपका लहंगा पहना। बस यही रील बनाकर फोन के आगे 10 तरह के मुंह बनाने आते हैं, लेकिन एक कप चाय तक बनानी नहीं आती तुझे। तेरी शक्ल देखकर तेरे ससुराल वाले अपना पेट भरेंगे क्या? अरे माँ क्या हुआ, खाना बनाने के लिए एक नौकरानी भी तो आ सकती है ना? अरे शर्म कर ले, शादी है 2 दिन में तेरी, तुझे तो खाना भी तक बनाना नहीं आता। चल मेरे साथ तुझे खाना बनाना सिखाऊं। और हाँ रुक जरा, कुछ है तेरे लिए, ये ले पकड़ अपने शादी का लहंगा, अब इसे संभाल कर रख दे। अरे वाह माँ मेरा लहंगा आ गया, ये तो वही लहंगा है जिसे पहनने के लिए मैं कब से लेकर आ रही थी, आखिरकार आपने मेरे लिए लहंगा बनवा ही लिया, अब एक स्पेशल सीरियल इस पर भी बनाऊंगी। अरे नालायक अभी से मत पहनना ये लहंगा, अभी से खराब हो जाएगा, नहीं तो ये तेरी शादी के लिए है ना, कि रील बनाने के लिए। अरे माँ आपने वो गाना सुना नहीं है क्या, ये मेरा लहंगा बड़ा है महंगा इसे न हाथ लगा। तभी गहना लहंगा बदलवा कर आरुषि को पकड़ कर उसे किचन में लाती है और कहती है, जब देखो तब ड्रामे करती रहती है, चल अब चुपचाप से खाना बना और रील वील का चक्कर छोड़ दे, समझी? नहीं मुझे नहीं सीखना माँ। चल दाल बना और उसमें हल्का सा नमक और हल्दी डाल। तभी आरुषि दाल में नमक और हल्दी डालती है और गैस पर रख देती है। माँ मैंने दाल रख दी। अब कुछ देर में 2-3 सीटियाँ आएंगी और ये दाल पक जाएगी। चल अब मैं कपड़े धोने के लिए जा रही हूँ। इतना बोलकर गहना वहाँ से चली जाती है और आरुषि मन ही मन कहती है, 10-15 मिनट में तो एक सीटी आएगी, क्यों ना तब तक मैं अपना लहंगा पहनकर एक रील बना लूं? हाँ ये सही रहेगा, माँ को पता भी नहीं चलेगा। ऐसा कहकर आरुषि अपना नया लहंगा पहनकर रील बनाने लगती है। पागल करते तुझे मोरनी शीतल गुलाबी साड़ी आने लाली लाल लाल। यह आरुषि गाने पर नाच ही रही थी कि तभी उसकी माँ उसे आवाज देती है, हे भगवान सारी दाल जला दी, किचन में तो है ही नहीं, फिर कहाँ चली गई? ये सुनकर आरुषि के रोंगटे खड़े हो जाते हैं और वो डर जाती है। अरे बाप रे ये क्या हो गया मुझसे, मैं तो दाल के बारे में एकदम भूल ही गई थी और दाल जल गई, अब तो माँ मुझे छोड़ेंगी नहीं। आरुषि डर की वजह से जल्दी जल्दी किचन में जाने लगती है कि तभी किसी चीज में उसका लहंगा फंस जाता है और वो गिर जाती है, फंसने की वजह से वो लहंगा भी फट जाता है। गई भैंस पानी में, अब इस दाल की वजह से मेरा लहंगा भी फट गया, अब तो माँ मुझे और भी ज्यादा सुनाएंगी, शादी में अब बस 2 दिन बचे हैं, लेकिन सच में मुझे खाना बनाना तो आता ही नहीं, मर गई अब तो मैं, माँ मुझे अब तो बहुत मारेंगी। ये सब सोचकर आरुषि वही डर से कांप रही थी कि तभी वहाँ पर आरुषि की माँ आ जाती है और आरुषि को सुनाने लगती है, लेकिन आरुषि का फटा हुआ लहंगा देखकर वो उस पर और भी ज्यादा गुस्सा करने लगती है। बस इसी की तो कमी थी, 1 रुपया भी नहीं है मेरे पास तुझे कोई चीज दिलाने के लिए, अब तो इसी लहंगे में शादी करना। आरुषि की माँ काफी देर तक उसे सुनाती रहती है जिससे आरुषि टेंशन में आ जाती है और फिर वो अपने लहंगे को सही करवाने के लिए चली जाती है कि तभी वो रास्ते में देखती है कि सामने से एक बूढ़ी औरत आ रही है
जो कि अंधी है और उसके सामने से एक गाड़ी आ रही है। वो औरत उससे टकराने ही वाली होती है कि तभी आरुषि दौड़कर आती है और उस औरत को बचा लेती है और गाड़ी आगे चली जाती है। दादी जी आप ठीक तो है ना? आपको कहीं लगी तो नहीं? अभी आपका कार से एक्सीडेंट हो जाता। अरे नहीं बेटा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। क्या करूँ, अंधी हो ना बेटा तो कुछ पता ही नहीं होता। मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ और तो नहीं है बेटा, लेकिन ये लो, तुम ये रख लो। ऐसा कहकर वो बूढ़ी औरत आरुषि को एक थैला दे देती है। अरे नहीं नहीं, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। अरे बेटी, तुम्हारी शादी होने वाली है और तुम्हें इसकी जरूरत पड़ेगी। इतना बोलकर वो बुढ़िया वहाँ से चली जाती है और आरुषि वो थैला लेकर आगे चली जाती है कि तभी वो कुछ सोचती है। अरे पर उस बूढ़ी अम्मा को कैसे पता कि मेरी शादी होने वाली है? उसके बाद जब आरुषि उस दिशा में जाती है जहाँ वो बुढ़िया गई थी, लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं होता। फिर आरुषि घर पर वापस आ जाती है। जब वो उस थैले में देखती है तो उसे थैले में अपने लहंगे जैसा ही एक लहंगा मिलता है, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। वो औरत पक्का कोई भगवान का भेजा हुआ फरिश्ता या भगवान होंगे, तभी उन्हें मेरी शादी के बारे में पता था और उसने सेम टू सेम मुझे मेरे वाला लहंगा ही दे दिया। उसके बाद आरुषि की शादी हो जाती है। फिर जब आरुषि आकाश के साथ अपने ससुराल जाती है तो उसके लहंगे से सोने के सिक्के गिरने लगते हैं। ये देखकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं। अरे भाभी, आप लहंगे में सोने के सिक्के लटका कर आई थी क्या? जो आपके लहंगे से सोने के सिक्के गिर रहे हैं। आरुषि अपनी ननद को कोई भी जवाब नहीं देती। फिर जैसे ही वो एक और कदम रखती है तो उसके लहंगे से और भी सोने के सिक्के गिरने लगते हैं। ये देखकर आकाश कहता है, आरुषि मैं जानता हूँ कि तुम्हें लहंगे का बहुत शौक है, कहीं तुमने अपने लहंगे में सोने के सिक्के तो नहीं लगवा दिए जो एक एक करके ये गिर रहे हैं? अरे नहीं आकाश, ऐसा कुछ भी नहीं है। पता नहीं ये कहाँ से गिर रहे हैं। वही तो मैं कह रही हूँ, लगता है कि हमारे घर में लक्ष्मी प्रकट हुई है, जिसके हर कदम से सोने के सिक्के बरस रहे हैं। ये सब देखकर आरुषि सोच में पड़ जाती है और मन ही मन कहती है, ये क्या हो रहा है? कहीं ये सब इस लहंगे की वजह से तो नहीं है? लगता है ये लहंगा जादुई है, इसीलिए ये सब हो रहा है। अरे हमारी बहू ने तो आते ही हमें अमीर बना दिया। मेरी बहू से कोई भी काम नहीं करवाएगा, मेरी बहू एकदम से रानी बन के रहेगी। ये सब सुनकर आरुषि मन ही मन कहती है, मैं तो उससे बिल्कुल ही बच गई, जो मुझे बिल्कुल भी नहीं आता था। इस लहंगे ने तो कमाल ही कर दिया, अब मुझे कभी भी खाना नहीं बनाना पड़ेगा। फिर आरुषि अपनी सास से कहती है, ठीक है माँ जी। अरे वाह मेरी जान, तूने तो आते ही सबका दिल जीत लिया। तुम्हें तो कोई काम नहीं करना पड़ेगा, मैंने कहा था ना तुम्हें रानी बनाकर रखूंगा। अरे रानी तो मैं खुद की वजह से बनकर रहूंगी। अरे शादी तो मुझसे ही करी है ना। अरे अब लड़ना बंद करो और अपने कमरे में जाओ। फिर क्या, उस दिन के बाद से आरुषि अपने पति और जादुई लहंगे के साथ हंसी खुशी से रहने लगती है। विक्रम अपनी बीवी अनामिका से बहुत प्यार करता था। वो दोनों अपनी शादीशुदा जिंदगी में बहुत खुश थे। अनामिका कहाँ हो तुम? देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूँ। अरे आई आई, बस 5 मिनट रुकिए। इतना बोलकर अनामिका फटाफट अपना किचन का काम खत्म करके बाहर आ जाती है, जहाँ वो देखती है कि विक्रम उसके लिए डायमंड का नेकलेस लेकर आया था। हैप्पी एनिवर्सरी माय ब्यूटीफुल वाइफ। हैप्पी एनिवर्सरी विक्रम, ये तो बहुत अच्छा नेकलेस है, मैं इसे हमेशा अपने पास संभाल कर रखूंगी। अच्छा तुम यहीं रुकना, मैं अभी कुछ लेकर आती हूँ। इतना बोलकर अनामिका किचन में चली जाती है और एक केक लेकर बाहर आती है।
अपना फेवरेट चॉकलेट केक देखकर विक्रम बहुत खुश होता है और अनामिका से कहता है, मेरा फेवरेट चॉकलेट केक, सच में तुम जैसा केक शायद ही कोई बना सकता है। ऐसा कुछ भी नहीं है, अगर ऐसा होता तो यहाँ पर और जितनी भी बेकरी की दुकान है वो नहीं चलती। अगर ऐसा है तो मुझे बताओ कि तुम्हारी ही दुकान सबसे ज्यादा क्यों चलती है? मुझे नहीं पता, वैसे तुमसे कोई भी नहीं जीत सकता। अब इस बहस को हम यही खत्म करते हैं और अपनी शादी की सेकेंड एनिवर्सरी का केक काटते हैं। इस तरह से अनामिका और विक्रम अकेले ही अपनी शादी की सालगिरह को मनाते हैं। अनामिका की अपनी एक छोटी सी बेकरी की दुकान थी, तो वहीं विक्रम एक बहुत बड़ी कंपनी में काम करता था। इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन विक्रम के साथ उसका दोस्त अखिल घर आता है। हम तो नौकरी करने वाले लोग हैं, पर मेरी बीवी बिजनेस कर रही है, उसका खुद का अपना छोटा सा बेकरी शॉप है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। विक्रम, ये बस ऐसे ही कहते रहते हैं, आप लोग खाना खा लीजिए, मैंने अपनी स्पेशल पेस्ट्री बनाई है, उसे खाना खाने के बाद जरूर बताना कि ये कैसी बनी है। क्या हमें खाना खाने से पहले पेस्ट्री नहीं मिल सकती भाभी? नहीं, इतना बोलकर वहाँ बैठे सभी लोग हंसने लगते हैं और इसी तरह से वो लोग हंसी मजाक करके खाना खाते हैं। अब अखिल के जाने का समय हो चुका था और जाने से पहले अखिल अनामिका और विक्रम से कहता है, भाभी अगले महीने मेरी शादी है, क्योंकि मेरी शादी गांव से है इसलिए मैं आप लोगों को एक महीने पहले ही बता रहा हूँ, और विक्रम तुझे मेरे साथ ही गांव चलना होगा मेरी शादी में। अरे यार, तू तो मेरी जान है, तू कहे तो मैं तेरे से पहले ही बिहार पहुँच जाऊँ। अरे नहीं नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। फिर अखिल विक्रम को अपनी शादी का इनविटेशन कार्ड देकर वहाँ से चला जाता है। इसी तरह से कई दिन बीत जाते हैं और विक्रम अखिल के साथ बिहार जाने के लिए अपनी तैयारियाँ करने लगता है। अनामिका, मेरा सारा सामान पैक तो हो गया है ना? अरे हाँ हाँ, मैंने सारा सामान पैक कर दिया है, बस आप वहाँ जाकर अपना ख्याल रखना। मेरा दोस्त है ना मेरा ख्याल रखने के लिए, तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, बस तुम अपना भी ख्याल रखना। इतना बोलकर विक्रम अखिल के साथ बिहार चला जाता है। बिहार जाकर विक्रम अखिल की शादी में खूब मजे करता है। मैंने जितना सुना था उससे काफी अच्छा है बिहार, मुझे यहाँ आकर बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे खुशी हुई कि तुझे यहाँ आकर अच्छा लग रहा है। अच्छा, अब जाकर जल्दी से तैयार हो जा, कुछ ही देर में बारात निकलने वाली है। क्योंकि मैं दूल्हा हूँ इसलिए मुझे भी जाने दे यार तैयार होने के लिए। इतना बोलकर अखिल अपनी शादी के लिए तैयार होने जाता है। फिर कुछ ही देर के बाद विक्रम बारातियों के साथ जाता है, जहाँ शादी में मुरली नाम के एक व्यक्ति की नज़र विक्रम पर पड़ती है। अरे भाग्यवान, देखो दूल्हे के साथ वाला लड़का कितना स्मार्ट है, कितना अमीर लग रहा है और बहुत नेक भी है। हमारी बेटी की शादी के लिए हमें बिल्कुल ऐसा ही लड़का तो चाहिए था, दूसरों की तरह लालची नहीं। क्यों ना इसको अगवा करके अपनी बेटी की शादी इससे करवा दी जाए। भला इसमें भी कोई पूछने वाली बात है? इसमें हमें दहेज भी नहीं देना पड़ेगा और हमारी बेटी को भी एक अच्छा ससुराल मिल जाएगा। वैसे तो मुरली एक अच्छे घराने से था, पर उसकी बेटी बहुत ज्यादा सुंदर थी। उसकी नीली नीली आँखें, गुलाब की तरह लाल होंठ और बहुत ही लंबे घने बाल थे, और साथ ही वो आम लड़की नहीं थी बल्कि एक परी थी, जिस वजह से सभी लोग उसकी बेटी सिंड्रेला की सुंदरता और जादुई शक्तियों की वजह से उससे शादी करना चाहते थे। लेकिन उन्हें एक नेक लड़के की खोज थी। साथ ही साथ मुरली एक कंजूस इंसान था जो शादी में दहेज नहीं देना चाहता था। बस यही वजह थी कि उसकी बेटी की शादी नहीं हो पा रही थी। फिर मुरली अपने गुंडों को भिजवा कर विक्रम को अगवा करवा लेता है। कुछ देर बाद जब विक्रम की आँख खुलती है तो वो खुद को मुरली के पास पाता है। अरे अरे, कौन हो तुम लोग और मुझे यहाँ पकड़कर क्यों लेकर आए हो, और ये मेरे बगल में बैठी लड़की कौन है?
नमस्कार दामाद जी, हम आपके होने वाले ससुर हैं और आपके बगल में जो बैठी है वो हमारी बिटिया है सिंड्रेला, जिससे आपकी शादी होने वाली है। अरे पंडित, तुम क्या टुकुर टुकुर देख रहे हो? जल्दी जल्दी मंत्र पढ़ो। ये कैसी बदतमीजी है, बिना मेरी मर्जी के तुम मेरी शादी इस लड़की से कैसे करवा सकते हो? मैं पहले से ही शादीशुदा हूँ, मैं दूसरी शादी नहीं कर सकता। पंडित जी, वो जो बोल रहा है बोलने दो, तुम मंत्र पढ़ो, ये शादी तो होकर ही रहेगी। इस तरह से जबरदस्ती विक्रम की शादी सिंड्रेला से करवा दी जाती है और बेचारा विक्रम चाहकर भी कुछ नहीं कर पाता। दूसरी शादी होने के बाद मानो जैसे विक्रम टूट ही जाता है। तुम्हारे घर वालों ने ये बिल्कुल भी सही नहीं किया। तुम जानती हो मैं अपनी बीवी से कितना प्यार करता हूँ, पर तुम लोगों की वजह से अब मैं उसके सामने भी नहीं जा सकता। मेरा दम घुट रहा है यहाँ। मैं जानती हूँ कि मेरे घर वालों ने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, इसीलिए मैं उनकी तरफ से तुमसे माफ़ी मांगती हूँ। तुम्हारे माफ़ी मांगने से क्या सब कुछ ठीक हो जाएगा? मेरा दिल कर रहा है कि मैं खुदकुशी कर लूँ। ऐसा मत कहो मेरे घर वालों के लिए, और मेरे घर वालों ने ये सब इसीलिए किया है क्योंकि मैं बहुत ज्यादा सुंदर हूँ और मेरे लिए रिश्तों की कमी नहीं है। अमीर से अमीर लोग मुझसे शादी करना चाहते थे, पर मेरे माता पिता को मेरे लिए एक नेक और ईमानदार लड़के की खोज थी। दरअसल सच ये है कि मैं उनकी असली बेटी नहीं हूँ, मैं उन्हें एक मंदिर के बाहर मिली थी और मैं एक परी हूँ। साथ ही मेरे पास बहुत सारी जादुई शक्तियाँ भी हैं, जिस वजह से सभी मेरी ताकत का गलत इस्तेमाल करना चाहते हैं। और तुम्हें जरूरत नहीं है मुझे झेलने की। मैं तुमसे बस इतना कह रही हूँ कि अगर तुमने मुझे अभी छोड़ा तो मेरे घर वाले तुम्हें वैसे भी मार देंगे, इसीलिए तुम मुझे अपने साथ लेकर चलो और अपनी बीवी को मेरे बारे में मत बताना। तुम मुझे वहीं छोड़ देना, मैं अकेले ही रह लूँगी और कुछ इंतजाम कर लूँगी अपने लिए। उसके बाद सिंड्रेला उसे अपना परी वाला रूप दिखाती है, जिसे देखकर विक्रम डर जाता है। अरे आप डरिए मत, मैं आपको कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊँगी। सिंड्रेला की बात सुनकर विक्रम का गुस्सा शांत हो जाता है। अब विक्रम सिंड्रेला को अपने साथ लेकर जाता है और स्टेशन पर आकर उसे खुद से ही अलग होने को कहता है। यहाँ से हमारे रास्ते अलग अलग हैं। जानती हूँ, तुम अपनी बीवी के पास जा सकते हो। इतना बोलकर सिंड्रेला जैसे ही विक्रम को छोड़कर जाने लगती है कि तभी एक गुंडा आकर उसके बैग को छीनकर ले जाता है और बेचारी सिंड्रेला कुछ भी नहीं कर पाती। सिंड्रेला की लाचारी देखकर विक्रम सब कुछ समझ जाता है कि ये जगह सिंड्रेला के लिए ठीक नहीं है। अब विक्रम ना चाहते हुए भी सिंड्रेला को अपने साथ अपने घर ले जाने का फैसला करता है। क्या, तुम्हारे घर? और तुम अपनी बीवी से क्या कहोगे? देखो, मैं तुम्हें यहाँ अकेला नहीं छोड़ सकता, और रही मेरी बीवी की बात तो मैं उसे सब कुछ सच सच बता दूँगा। मैं जानता हूँ वो मुझ पर विश्वास जरूर करेगी। अब विक्रम सिंड्रेला को अपने साथ अपने घर ले जाता है, जहाँ अनामिका अपनी सौतन को देखकर हैरान हो जाती है। फिर विक्रम अपनी सारी लाचारी अनामिका को बताता है, पर अनामिका उसकी एक नहीं सुनती। आप मेरे लिए बिहार से सौतन लेकर आए हैं और आप मुझे कह रहे हैं कि मैं आपकी परिस्थितियों को समझूं? आपने मुझे धोखा दिया है, धोखा। ऐसा नहीं है, विक्रम बिल्कुल सच कह रहे हैं, इसमें इनकी कोई भी गलती नहीं है। तुम तो चुप ही हो जाओ, तुम होती कौन हो हम दोनों के बीच में बोलने वाली? तो विक्रम, तुमने अपनी दूसरी बीवी को इतना अधिकार दे दिया कि वो अब हमारे बीच बोले? अनामिका, मैं तुमसे सच कह रहा हूँ और मैं सिंड्रेला को यहाँ इसलिए लेकर आया हूँ क्योंकि इसका इस शहर में कोई भी नहीं है। आखिर ये अकेली कहाँ जाती? कुछ दिनों बाद मैं इसे तलाक दे दूँगा और इतने दिनों में इसके रहने का बंदोबस्त भी कर दूँगा, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब कुछ भी ठीक नहीं होगा मिस्टर विक्रम, तुमने मुझे जितना बेवकूफ बनाना था तुमने बना लिया। अब मैं और बेवकूफ नहीं बनने वाली। सही कहती थी मेरी माँ, तुम मेरे लायक ही नहीं हो। और वैसे भी मैं तुम्हें खुद छोड़ने वाली थी क्योंकि मुझे कोई और मिल गया है जो कि तुमसे कहीं ज्यादा अमीर है और हम दोनों जल्दी ही शादी करने वाले हैं।
चलो अच्छा ही हुआ तुमने भी शादी कर ली, अब तुम अकेले तो नहीं रहोगे। क्या ये तुम कैसी बातें कर रही हो? तुम मेरे साथ पैसों के लिए रहती थी, तुमने मुझे धोखा दिया। हाँ, क्योंकि पैसे के बिना भी भला कोई जिंदगी होती है। और हाँ, उसने मेरे लिए एक बहुत बड़ी केक की दुकान भी खोली है। चलो अब मैं चलती हूँ, बाय। इस तरह से अनामिका विक्रम को धोखा देकर उसकी बात को बगैर समझे उसे छोड़कर चली जाती है, पर सिंड्रेला उसका साथ देती है और उसे संभालती है, उसका बहुत अच्छे से ख्याल रखती है और अपनी जादुई शक्तियों से उसकी सारी इच्छा भी पूरी करती है। इस तरह से विक्रम समय के साथ साथ अनामिका को भूल जाता है और सिंड्रेला से प्यार करने लगता है। इसके बाद विक्रम अपनी दूसरी बीवी सिंड्रेला परी के साथ अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत करता है। एक बार की बात है, किसी गांव में रोहित नाम का एक नौजवान रहता था। रोहित बहुत ज्यादा गरीब था। रोहित समंदर से मछलियां पकड़कर उसे बेचने का काम करता था। इसी तरह एक दिन रोहित समंदर में मछलियां पकड़ रहा था कि तभी अचानक उसके जाल में सात रंग बिरंगी मछलियां फंस जाती हैं। लेकिन अगले ही पल वो सारी मछलियां जोर जोर से रोने लगती हैं। मछलियों को यूं रोता हुआ देखकर रोहित को बड़ी हैरानी होती है। तभी उसमें से एक मछली रोहित से कहती है, सुनो नौजवान, हम सातों परी देश की सिंड्रेला परियां हैं। हम वहाँ की राजकुमारियां हैं। एक जादूगर के श्राप की वजह से हम सभी मछलियां बन गई हैं। अगर तुम हम सातों से शादी कर लोगे तो हम सातों बहनें अपने असली रूप में आ जाएंगी। मेहरबानी करके हम सातों से शादी कर लो नौजवान, प्लीज हमारी मदद करो। उस मछली की इतनी अजीब सी बात सुनकर रोहित को बड़ा ताज्जुब होता है। लेकिन रोहित एक दयालु नौजवान था, वो उन सातों सिंड्रेला परी बहनों को उनके असली रूप में लाने का फैसला करता है और उनसे शादी करने के लिए हाँ कह देता है। उसके बाद रोहित उन सातों मछलियों को लेकर एक पुजारी जी के पास पहुँच जाता है और उनसे उन मछलियों के बारे में सब कुछ बता देता है। फिर वो पुजारी रोहित की शादी उन सातों मछलियों से करवा देते हैं। शादी होते ही वो सातों मछलियाँ सात खूबसूरत परियों के रूप में बदल जाती हैं। अपने आप को वापस परी के रूप में देखकर सातों सिंड्रेला परी बहनें बहुत ज्यादा खुश होती हैं। साथ ही रोहित भी अपनी इतनी सुंदर पत्नियों को देखकर बहुत खुश होता है। उसके बाद वो सातों सिंड्रेला बहनें रोहित के साथ उसके गांव चली जाती हैं। क्योंकि रोहित बहुत ही गरीब था तो उसका टूटा हुआ झोपड़ा देखकर उन सातों सिंड्रेला परी बहनों को रोहित पर बहुत तरस आता है। फिर सातों सिंड्रेला बहनें अपनी जादुई छड़ी घुमाकर रोहित के टूटे फूटे हुए घर को एक खूबसूरत से घर के रूप में बदल देती हैं। अरे वाह, ये तो कमाल हो गया। तुम सातों परियों के पास तो कमाल की जादुई शक्तियाँ हैं। हम सातों सिंड्रेला परी बहनें अपनी जादुई शक्तियों का इस्तेमाल हमेशा दूसरों की भलाई के लिए करती हैं। हमारे रहते हुए अब तुम्हें कभी भी कोई परेशानी नहीं होगी। उस दिन के बाद से रोहित अपनी सातों सिंड्रेला पत्नियों के साथ हंसी खुशी से रहने लगता है। इसी तरह एक दिन वो सातों सिंड्रेला परी बहनें गांव की सैर कर रही थी कि तभी वो देखती हैं कि गांव का दुष्ट जमींदार कुछ गरीब किसानों पर अत्याचार कर रहा है। चलो जल्दी से मेरे पैसे वापस निकालो, वरना मैं तुम सबकी खाल खींच लूँगा। माफ करिए सरकार, इस वक्त आपको देने के लिए हमारे पास फूटी कौड़ी भी नहीं है। दूसरी तरफ खेतों की फसल भी ठीक नहीं हुई, इसीलिए हम आपका कर्जा नहीं चुका सकते। हमें कुछ और महीनों की मोहलत दे दीजिए मालिक। नहीं नहीं, अब मैं तुम्हें एक दिन की भी मोहलत नहीं देने वाला। अगर अभी के अभी तुमने मेरे पैसे नहीं दिए तो मैं तुम सबके घरों पर कब्जा करके तुम्हें गांव से बाहर निकाल दूंगा। जमींदार की इस तरह की बातें सुनकर उन सातों सिंड्रेला परी बहनों को उस पर बहुत गुस्सा आता है और वो सातों उसे सबक सिखाने का फैसला कर लेती हैं। तभी एक सिंड्रेला परी अपनी जादुई छड़ी घुमाकर
जमींदार के हाथ में मौजूद गंडे को एक सांप के रूप में बदल देती है। अरे ये क्या, ये अरे अचानक से ये सांप कहाँ से आ गया? अगर तू अपनी भलाई चाहता है तो चुपचाप यहाँ से भाग जा। और हाँ, अगर दोबारा तूने इन गांव वालों को परेशान किया या इन पर किसी भी प्रकार का अत्याचार किया तो हम तुझे जान से मार देंगी। तुम मामूली परियों की इतनी हिम्मत कि तुम मुझे धमकी दे रही हो? ठहर जाओ, अभी बताता हूँ तुम्हें। इतना कहकर जमींदार अपनी बंदूक निकालकर उन सातों सिंहवेला परियों पर गोली चलाने लगता है। लेकिन अगले ही पल सारी गोलियाँ फूलों की माला बनकर उन परियों के गले में पहुँच जाती हैं। अरे ये क्या, लगता है ये सातों परियां जादुई शक्तियों में बहुत माहिर हैं। इस वक्त इनसे उलझना ठीक नहीं है, मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए। बाद में इन्हें देख लूँगा, वरना ये मेरा पापड़ बना देंगी। उसके बाद वो दुष्ट जमींदार दुम दबाकर वहाँ से भाग निकलता है। जमींदार को भागते हुए देखकर सभी गांव वाले बहुत खुश होते हैं। फिर वो सारे गरीब लोग सातों सिंड्रेला परी बहनों का शुक्रिया अदा करने लगते हैं। हम बहनों के रहते हुए आज के बाद तुम लोगों को किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है, हम हमेशा तुम सभी की रक्षा करेंगे। फिर वो सातों सिंड्रेला परियां उन गरीब लोगों की गरीबी दूर करने का फैसला करती हैं और अपनी जादुई छड़ी घुमाकर गांव के कुएं के पानी को सोने के पानी में बदल देती हैं। ये देखकर सभी गांव वाले बहुत खुश होते हैं। उस दिन के बाद से गांव वाले उस कुएं से सोने का पानी निकालकर उसे बेचना शुरू कर देते हैं। इस तरह देखते ही देखते गांव के सभी लोग बहुत ज्यादा अमीर बन जाते हैं और साथ ही वो सातों सिंड्रेला परी बहनें अपने पति रोहित के साथ हंसी खुशी से अपनी जिंदगी जीने लगती।